नमस्कार। आज श्राद्ध पक्ष के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जान रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में यह 15 दिन जिस प्रकार हम हमारा जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार हमारे पितरों का भी मृत्यु, हम जो तिथि होती है उस तिथि को लेकर हम उस दिन उनको याद करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने एक माह की 15 तारीख सिलेक्ट कर दी, क्योंकि किसी का भी देहांत होता है तो 15 दिन में ही होता तिथि में। जैसे कैलेंडर में 1 से लेकर 30 तक है, हिंदी कैलेंडर में 1 से लेकर 15 तक है। एकम दुकम 14 और पूर्णिमा या अमावस्या, तो 15 तारीख। तो ये 15 दिन का आता है श्राद्ध का वर्ष। उसमें जिस भी माह में जिस तिथि को एक्सपायर हुआ उस तिथि को हम उनको कृतज्ञता देकर याद। एक प्रकार से मैं ये कहूं कि हमें पितरों से भय नहीं करना है। पितरों की कृतज्ञता में उनकी पसंद का खाना, हम एक अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं और उसमें हमारे पितरों का रूप देखकर उनको उसी मान सम्मान के साथ हम भोजन कराते हैं। इस मैटर पे एक बात कहना चाहूंगा, सामान्यतः यह प्रचलन है कि ब्राह्मण को ही आपको भोजन कराना। यहाँ पर हमको एक विचार हम दे रहे हैं कि आपको ब्राह्मण, उस वक्त जब ब्राह्मण का काम भिक्षा मांग के खाना होता था, उस वक्त के समय वो ब्राह्मण ही आता था और खा। अब तो ब्राह्मण अलग अलग हो गए, हम बोल चुके, लेकिन पुनः बोल रहे। तो मेरे हिसाब से चूंकि अब पुराने विधि रिवाज आ रहे हैं, रीति रिवाज चल रहे हैं, अज्ञात भय अलग चलेगा, इसलिए हम कहते हैं कि वह भी जीवाओं किसी एक भूखे को बुलाकर खाना जरूर खिला, तो उसको वो इस मान सम्मान दो जो आप उस ब्राह्मण को दे रहे हो। मेरा मानना है मान सम्मान देने में कोई वर्गीकरण नहीं होना, क्योंकि वो ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है, लेकिन कर्म से बहुत कम लोग ब्राह्मण है। आप क्या, मैं बोल चुका हूं पहले, बार बार नहीं बोलना चाहता, लेकिन फिर रिपीट करूं, आप क्या जो ब्राह्मण भोजन करने आता है वो 3 4 घर होके आता है एंड अपना इम्पोर्टेंट, तो हमें नहीं करना ऐसा काम। हम किसी भूखे को बुला के, भाई आपको खाना खाना, इवन कई मंदिर के बाहर कोई बैठा उसको बुलाकर मान सम्मान दो पूरा। श्राद्ध पक्ष की एक नई बात और करूंगा आपसे, क्योंकि 14 तारीख को सर्वपित्र अमावस्या है। उस दिन हम ये प्रयास करेंगे कि सुबह 10:30 बजे का जो सेशन, 10:30 बजे 11 बजे हम टाइम रिकॉर्डिंग कर लेंगे सबके हिसाब से, उस दिन आप सब लोगों के साथ पात्र लेकर आपको विधि विधान के साथ मैं पहले सर्वपित्र अमावस्या के पहले 2 दिन पहले आपको मैं तर्पण सिखा दूंगा। चलिए आज ही हम तर्पण की बात कर लेते हैं। तर्पण, जैसा आपको हमने कल बताया कि हर इंसान के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ डेब्ट ऑन एवरी ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट फॉर डिवाइन गॉडेस, सेकंड ऑल द ऋषिज मुनि, दोज आर डिलीवर्ड द नॉलेज ऑन टाइम टू टाइम, एंड थर्ड फॉर योर एंसेस्टर्स। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, पितृ ऋण। तो इन तीनों ऋण, सबसे पहले हम देव ऋण को तर्पण के माध्यम से करते हैं, देव को, फिर ऋषि को, पितृ। पितृ में भी आपने वीडियो देखा होगा, हम मेरा एक शरीर पाने के लिए 2 जने लगे, उन 2 जनों का शरीर पाने के लिए उनको 4 जने लगे, और उन 4 जनों का शरीर पाने के लिए उनको कितने लगे, 16 जने लगे। ऐसे क्रम बढ़ता गया, तो हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारा डीएनए के रूप में पितृ कृतज्ञता देना, हमारे वंश। भाई आप तो ये राम को और कृष्ण को जो पूछ रहे हो ना, तो हजारों साल पहले की घटना है। आपकी जो पीढ़ियां तो 100 200 200 साल भी नहीं हो, तो आपके माता पिता, आपके दादा दादी, तो दादा परदादा, ये 300 साल की बात है। जब हम हमारे माता पिता को भगवान मानते हैं, ऑब्वियसली वो हमारे माता पिता भी अपने माता पिता को भगवान मानते होंगे, उनके माता पिता भी उनके माता पिता को भगवान मानते होंगे, तो क्यों ना कुछ ऐसा करें जिसमें हम सभी को याद कर सकें। हमारी स्मृति रहती, हमें माता पिता दादा दादी तक याद नहीं, लेकिन मैं सब प्रयास करूंगा 14 तारीख को आप,
कि उसके अंदर में आपको उससे जोड़ो। तो जैसे पहला तर्पण करते हैं जल का माध्यम से, एक जो कुशा आपके पास आई है, जो आपने दुर्वा मैंने आपको रख रखी है, वह सूखी सूख जाई होगी, वह आपको अमावस्या को रखना है अपने हाथ में, ठीक है। एक पास में आपको कलश रखना है, कलश में थोड़ा पानी, एक तपेली में पानी रख लेंगे, और पानी में थोड़ी 7 तिल डाल देंगे, 7 तिल के डालने, इनके 7 तिल, ज्यादा भी डाल दी तो कोई दिक्कत नहीं, 25 डाल दी, 50 डाल। अब हम सिर्फ तिल तो हम बाद में डालेंगे जब पितरों को लगेंगे, पहले जल को लेकर हम ऐसा करेंगे, अर्पण जल को ऐसा करेंगे, तो ये दर्पण होगा देवताओं के लिए। कैसे? जैसे मैंने जल लिया, और मैं आपको कहूंगा जल समर्पित करें, तो आप भी एक पात्र यहां पे रखें, एक पात्र अपने सामने रखें, उस पर डालें, ठीक है। फिर मैं कहूंगा, फिर देवता को, उसके बाद हम कहेंगे ऋषियों को तर्पण करना, तो दोनों हाथ आप कैसे रखेंगे, और ऋषियों को छोड़ने के लिए आप नीचे से हाथ खोल देंगे, वो जल सीधा आपके नीचे गिरेगा। तो वी आर ऑफरिंग तर्पण फॉर गॉडेस, फॉर ऋषिस एंड फॉर योर एंसेस्टर्स। तो हम एंजल्स को तो हमारे ऐसे वाफर वाटर करेंगे दोनों हाथों के साथ में ऐसे, और ऋषियों को हम ऐसे देंगे नीचे खोलकर, और हम साथ में जो हमारे एंसेस्टर का नाम है उसके लिए हम ऐसे पानी को लेकर अंगूठे के सहारे जल को डालें। क्लियर? अब यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी डायरेक्शन की। आप लोगों को डायरेक्शन की चिंता ना करना, वो मेरे ऊपर छोड़ देना, क्योंकि हम दिशा ध्यान करने वाले हैं। ऑलरेडी एवरीबडी कैन डू एनीथिंग, इवन योर साइकिल टाइम यू कैन डू इट, डोंट कीप एनी टाइप ऑफ गिल्ट, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ, ऐसा आपको बताऊंगा, अमावस्या को हम सुबह जुड़ेंगे, और चूंकि ये सुबह ही होता है और हम हिंदुस्तान में हैं, तो हम सुबह ही कर पाएंगे इसको। और अगर ऐसा चाहेंगे आप लोग कि यूएस के कुछ लोग जुड़े हैं, तो हम रात को भी कर लेंगे, लेकिन सवेरे ही जुड़ जाए तो ठीक है, तो वहां पर आपको दर्शन भी हो पाएंगे, वो रिकॉर्डिंग देखकर कर सकते हैं सुबह की ऊर्जा का। उसी समय हमारी अलग अलग विंडो पर अलग अलग लोग जुड़े होंगे, हरिद्वार से, गया जी से, सब किसी एक को मैं नियुक्त करूंगा जो हमको तर्पण कराएगा। हम बैठे रहेंगे जल के साथ, वो कहेंगे देवताओं का नाम लो, सभी देवताओं के नाम लेते जाएंगे, हम ऐसा जल अर्पित करते जाएंगे। ऋषियों के लिए हम ऐसे करेंगे, वो पितरों के लिए ऐसे। क्लियर हुआ? एक बार नहीं हुआ, एक जया जी रिक्वेस्ट करता हूँ तर्पण की, आप वो हमारी यूट्यूब पर लिंक डाल देना इसमें तर्पण वाली, तो उसमें विधि पता लग जाएगी, ताकि अमावस्या को आपको नया ना लगे। इफ यू आर गोइंग टू जज, यू नॉट फील न्यू, यू मस्ट बी माइंटली रेडी कि हमें हमारे देवताओं को जल अर्पित करना। देवता को जल अर्पित कैसे करता है, थोड़ा सा पानी भरा और तिल नहीं डालना उसमें, सिर्फ पानी, पानी लेकर ऐसा, फिर पानी लेकर ऐसा, फिर पानी लेकर ऐसा, ऋषियों को पानी भरकर ऐसा ऐसा, 7 बार 7 ऋषियों के नाम आएंगे ऐसा, और हमारे एंसेस्टर्स के लिए। ये क्लियर होगा तीनों स्टेप आपको? तो आज मैं आपको आपका पंडित बना रहा हूं, क्योंकि हम है ना, अभी तक वो पंडित बैठ जाता था, आइए आइए तर्पण, हाँ हमेशा बोला, हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी, हाँ घर में असम पे नमा शुद्धम 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 शुद्धम। 3 बार वो जल पिलाता है आपको, ओम नमः शिवाय नमः नारायण, क्यों बाहर करता बोलो? एक बार शरीर शुद्धिकरण, एक बार मन शुद्धिकरण, एक बार विचार शुद्धिकरण। मन बुद्धि, मन विचारों से ग्रस्त रहता है, मन का शुद्धिकरण और बुद्धि का शुद्धिकरण, इन शुद्धिकरण मत सुना। तो 3 बार वो जल देता है, और आपको याद हो हम हमारे पितरों को पानी ऑफर करते हैं, तो चूंकि पितृलोक में पानी की कमी होती है, इसके लिए क्लियर एवरीबडी, और ऊपर नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल द 3 स्टेप्स विच आई, देखो इन द तर्पण विच वी आर गोइंग टू डू परफॉर्म ऑन द 14th ऑफ दिस मंथ,
इन द अर्ली यस मॉर्निंग टाइम वेट विल कोऑर्डिनेट द टाइमिंग दैट वी ऑफर द वाटर तर्पण, तर्पण मतलब ऑफरिंग द वाटर. सो फर्स्ट वी ऑफर वाटर टू आवर एंजल्स टू द रोल हाउ टू पे द वाटर टू द देयर गॉडेस. यू जस्ट कीप वाटर इन फील इन हैंड एंड जस्ट पुट इन फ्रंट ऑफ दैट. ओके नंबर वन. नंबर टू व्हेन वी से ऑफर वाटर फिशी दैट यू कीप योर हैंड लाइक दिस एंड ड्रॉप लाइक दिस. ओके एवरी टाइम यू हैव फील द वाटर एंड जस्ट ओपन दिस लोन ऑफ ऑलमन एंड फॉर एंसेस्टर वी गिव द वाटर एंड वी विद द हेल्प ऑफ थम लाइक क्लियर. नाउ आई एम मेकिंग यू द पंडित फॉर योर ओन सेल्फ. आई ट्राई टू मेक बने खुद को ज्योतिष. मैं बोल रहा हूं बने खुद के पंडित. कभी आप पूजा करना है उससे पूछ तो पूछो क्यों पंडित जी हम ये देवताओं को ऐसे जल तो चढ़ाते हैं ऐसे क्यों चढ़ाते हो. अगली बार तो आएगा ही नहीं आपके यहाँ द पंडित वो इवन इफ यू आस्क द स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन बिकॉज दे ऑल्सो ही इज ऑल्सो नॉट मेंटली प्रिपेयर बट वी वॉन्ट एनीथिंग. फिर कहूंगा हम 500 रुपए की चीज भी रिव्यू देख के परचेस करते हैं तो हम रिव्यू देख के काम करें. हमारा समय है हमें पूरा राइट है पूछने का उसको पूरा राइट है बताने का. अगर वो नहीं बता सकता तो ऐसे व्यक्ति से कार्य कराना ही. क्लियर. ओके तीसरी चीज पिछले शब्द में आपसे कह रहा हूं आज हमने रिमेडी डाले भी है वो आप कृपया करके एक्सपायर मेडिसिन घर में पड़ी हो. एक्सपायर नाम से डर लगता है. हमारे पिताजी कब एक्सपायर हुए थे भैया ये तिथि हुए थे. ये एक्सपायर वर्ड का यूज अभी कर रहे होंगे. ओ गुरु जी मेरे पापा एक्सपायर ये तारीख को हुए थे तिथि क्या है. एक्सपायर वर्ड आपसे कहीं ना कहीं जुड़ा है विशेष रूप से दवाइयों के साथ. तो दवाइयां जो एक्सपायर हो गई इन सब मेडिसिन आर एक्सपायर्ड प्लीज आई एम श्योर यू ऑल आर टेक केयर इन बट अगेन आई एम सेइंग यू वॉच इट बिकॉज इट्स अ रेगुलर प्रोसेस इट्स नॉट वन टाइम. यू कैन कीप द मेडिसिन अप टू द फर्दर 6 मंथ नो प्रॉब्लम इवन आफ्टर एक्सपायरी 5 मंथ 4 मंथ बट नॉट मोर देन दैट. ओके पर एक्सपायरी के पहले ही आप डाल दें अच्छी बात है. एक आध महीना बचा रहे तो उसका लालच छोड़ एकदम. उसके बाद फुटवेयर जो आपके फुटवेयर है वह आप जरूर करें. जो आप फुटवेयर आप पहनते नहीं आप पहनना भी नहीं चाहते प्लीज 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 रिमूव दैट फुटवेयर. इन चीजों से जितना अटैच रहोगे ना अरे ये तो मेरी मम्मी की चप्पल है ये मेरे पापा की चप्पल है जिनसे अटैच तो पूरा शरीर चला गया भगवान ले गया. तो क्या इवन दोज आर पुटिंग द डीपी सबको अपने माता पिता की याद शाद में आती या मदर्स डे या फादर्स डे पे आती. अब डीपी ला लगे मम्मी का आप मामा यार वो आपके माता पिता आपके पर्सनल गॉड है यार उनका प्रदर्शन क्यों करते भाई. इफ आई सा द कंचन डीपी एग्जाम्पल कंचन का नहीं है डीपी कंचन ने अपने मदर फादर का डीपी लगा रखा. मेरे को कंचन मदर फादर से क्या मतलब है. आई बी शो कीप इन साइड ना वो देखेगा रे क्या मरे हुए लोगों का फोटो लगा रखा है. वो भगवान नहीं मानता उनको. वर्षा सही बोल रहा हूं सही वर्षा क्या बोल रहे एडमिट करो इसको वर्षा को. यस सही है बिल्कुल सही है. आप लोग ध्यान रखा करें दिखाने के लिए जिंदगी खराब कर ली पूरी अपने को अपने डीपी मम्मी पापा का फोटो लगा लेना है. यू हैव टू चेंज द डीपी हमके इमोशनल कनेक्शन जो है अरे क्यों ना अंदर से हो ना वो पंच तो शरीर तो गया जो भगवान ने रखा नहीं भगवान ने अलाउ नहीं करा उसको क्यों पकड़ के रखी. ये भी नहीं करा आप स्मृति मत रखो जब वक्त आया मम्मी पापा की याद के फोटो हो रहे हो लेकिन उसको
उस ऊर्जा को एक स्थान पे ले लो, उसको चलायमान मत करो। रॉकेट रूपा, गॉट इट? नाउ टुडे आई ऑफर टू थ्री रेमेडीज, इवन आई सेंड द डीपी ऑल्सो, एंड अगेन आई वॉन्ट टू से वन वेरी स्ट्रॉन्गली, द मोस्ट ऑफ द पीपल विदाउट सेइंग द गॉडेस पिक्चर जस्ट फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग 4 4 5 5 पिक्चर्स इन द लॉग्स, क्यों बाध्य करते हो यार किसी को? उसको दर्शन करना, उसको मालूम है उसके जीवन में, आपके पास भी आते ना खूब सारे दर्शन, भोलेनाथ जी के, फलाने लाल जी के, इसके लाल के बहुत। अरे यार यू रिस्पेक्ट ऑल ना, वो आर नॉट सेइंग, अब किसी और को क्यों बाध्य करते? क्लियर? तो आज से जिन लोगों को आदत है अपने फोटो फॉरवर्ड करने की, वो तो अच्छे ही बोलेगा आप। इवन मैं तो बोल रहा हूँ कि वह गॉडेस के जो चार फोटो भेजता है ना, उससे यह पूछ लो पलट के कि तूने चार किन भगवानों के फोटो भेजे, वो नहीं बता। वो लमसम आते भेजे, भेज दे तो एक किन की फोटो भेजे, तूने कौन से भगवान के भेजे? अरे यार मैं आया था, मैं डाल दू। इतना हमने अपने आप, हाँ भाई जो लगा है, मेरे भी एक ग्रुप बना हुआ है, मैं भी केवल मात्र व्हाट्सएप पे दो व्हाट्सएप डालता हूँ, जो मेरे दो कनेक्टेड है, जो लोग सालों से, उनको डाल बस। सो मेरा निवेदन है, आप मुझे गुरु बोल के आप मेरे साथ आए, तो आप प्लीज प्लीज से फोटो डालते हो तो बंद करें, ये कहीं ना कहीं आप एक कर्स परचेस कर रहे हैं। ये आप खुद सोचो कि आपके मेल बॉक्स में रोज 10 10 फोटो आएगी भगवान की, आए आप चिढ़ जाओगे, वो ब्लॉक कर दोगे। मैं करता हूं ब्लॉक, क्योंकि मैं किसी को नहीं भेजता। हाउ मेनी पोस्ट यू सी, मैंने वो चैनल बनाया, भेजा इसीलिए भेजा कि जिसको ज्वाइन होना जाए, मैं उसको मेरी रिमेडी डालूंगा, मैं किसी को बात भी नहीं करूं। यस, तो ये नॉलेज ही किसी चीज है ना, कम से कम आप उसका पे मत करो, लेकिन रिस्पेक्ट तो करो। मैं डिवाइन एस्ट्रो ग्रुप पर मेंबर में पोस्ट करता हूँ, पता लगे सिर्फ 40% देखते हैं, 60% देखते ही नहीं। अब इतना भी डिसरिस्पेक्ट पे नहीं हो रहा है, तो आई डिसाइडेड आई वांट, आई एम नॉट नाउ गोइंग, पूनम इज नॉट आस्किंग, नीलकमल इज नॉट आस्किंग, सुमित ऑटोमेटिकली कम जाता है, एवरीबॉडी इज ऑटोमेटिकली, आई नेवर फोर्स टू डू। जय जी जरूर पूछा कि चैनल क्यों, क्योंकि बल्क पे बेटा आप लोग भेजना हो तो और भेज देंगे, बाकी एक ग्रुप में कुछ नहीं रहते। ग्रुप में जो रिलेटेड है प्रॉब्लम है, डिवाइन स्टोनिंग में आज सेशन में क्या बोला मैंने, कुछ बोल रखा हृदय को, बोल रखा बना के, वो बनाती है तो मैं वो डाल देता हूँ। आप कुछ नहीं, जितना मोबाइल से दूर रहोगे ना अपने आप, जितनी पोस्ट कमाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आपको लिख के दे रहा हूँ, आने वाले 15 20 दिन आप मोबाइल से चिढ़ जाओगे ना, कि मोबाइल ने तो पूरा परचेस कर लिया आपको, और उन लोगों ने जो आपका जीवन परचेस करा, वो उनके हिसाब से आपको जीवन जीना पड़ रहा है, वो जो बोल रहे हैं वो देखना पड़ रहा है। और अगर आपने एक बार देख लिया, वही चीज की 10 चीज आ जाएगी। अगर आपने सुबह उठकर एक ओम भूर्भुवस्वः मंत्र लगा दिया, दिन भर ओम भूर्भुवस्वः मंत्र के 500 वीडियो आ जाएंगे आप लोग। इसका मतलब यह है कि हमारे पल पल की खबर रहती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उपग्राहक मत देने दे हमारा समय, अपने साथ में ध्यान करें, साधना करें, घर में साफ सफाई में ध्यान दें, बच्चों से बात करें भाई। और मेरा कहने का मतलब जितना साफ है ना, ये बात मान लो मेरी, कोई प्रश्न करे उसको उत्तर भी ऐसा दो कि अगला प्रश्न नहीं पूछा है, तो बोलो ना। अब आप सोचो, आपने किसी और को गॉसिप के लिए अपना माध्यम बना रखा, मेरा टाइम नहीं कटता, पर आप भी खराब कर रहे हो टाइम, सामने वाले का भी कर रहे हो, आप दो जनों का टाइम कर रहे हो खराब। वो भले लग रहा है उसको, लेकिन उसको वैल्यू पता लगेगी, क्योंकि वही व्यक्ति जो आपसे आधा आधा घंटा एक घंटा बात करता है, और वो व्यक्ति बिजी हो जाएगा और आपसे 5 मिनट बात नहीं करेगा ना, तो वही चीज आपको अखरेगी। वही एक एक घंटा दो दो घंटा बात की गई जो बातें हैं,
आपको तकलीफ देंगी और नए नए इमेजिनेशन देंगी। अपना वक्त आया था तब तो बड़ी बात करते थे, अभी मैंने बड़ा कर। ये जीवन है, आप हो या मैं हो, एवरीबडी इन द सेम बो। मेरा शब्द है, मेरी आवाज है, मेरी वाणी, मुझे कंट्रोल कर। ये मेरे ऊपर डिपेंड कि मेरे को कितना लिबरल होना है। कोई 100 प्रश्न पूछे, यार अभी हम बाद में बात करें। देखिए आपका अगर ये स्टेटस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जितना कम बोलोगे उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ेगी। द पीपल नाउ डेज दे आर टेकिंग वेरी बैड स्टेप्स। रिस्पेक्ट योर टाइम, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। इफ यू आर फ्री डू समथिंग क्रिएटिविटी, वॉच क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिव चीज देखो। आप विश्वास करेंगे, आप मेरे को, यू कांट बिलीव इट, मैं सुबह से लेकर शाम तक वॉक करने के बाद मैं मेरा इस पर मोबाइल में क्रिएटिव फॉर्म में लगा रहता हूँ। मैं किसी को व्हाट्सएप पे हाय हाउ आर यू, फाइन थैंक यू, कैसी है, क्या कर रही है, नेवर समझ आती। लेकिन आप भी ग्रस्त के लोग हो, आप भी क्या करोगे इसमें जोड़ोगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं जिस रास्ते ले जाना चाह रहा हूं ना, उस रास्ते में इसको छोड़ते चलो। कुछ नहीं मिलना चाह रहा है आपसे। 3 दिन पहले मैं बता दूं कि आपको सुबह से शाम तक किस किस से बात करेंगे, आपको नहीं मालूम। लेकिन 3 दिन पहले कोई नॉलेज की बुक पढ़ी हो, अष्टांग योग पर पढ़ी हो, वीडियो सुनी हो, वो जरूर याद। हाँ या ना, आज से मोबाइल व्हाट्सएप को तो पर्टिकुलर टाइम बांध दो। या सर मैं 12 से 5 तो मोबाइल रहता ही नहीं, और मैं 5 से 6 से मुझसे बात कर रहा हूँ। मैंने भी टाइम डिसाइड करा है, 5 से 6 लोग जो मिलना करने वाले आते हैं, रात को जिनको हेल्थ की जरूरत है, उनको। क्लियर? तो इट इज माई रिक्वेस्ट टू यू, ऑल ऑफ यू, इज अप टू यू, यू फॉलो ऑर नॉट, बट आई एम नॉट सेइंग गुड इज फॉर गुड फॉर मी, इज गुड फॉर यू। क्लियर? तो श्राद्ध पक्ष में सबसे श्रद्धा अच्छा श्राद्ध कि अपने माता पिता की स्मृति में अपनी आंखों में आंसू आ जाए कृतज्ञता के, हे माता पिता मेरी ताकत दी थी तूने, इस लायक मुझे बनाया, क्लिप होती थी पर भी तूने मुझको पढ़ाया, आज तूने मेरे डायरेक्शन बदल दी होती और मेरे को जेब काटता सिखा होता तो आज मैं जेब कट रहा हूं। आज जो भी हो आप, आपके माता पिता के लालन पोषण क्या, यही कहीं आपका जन्म एक ऐसे घर में हुआ होता है। जो अब एक बात हूँ आपसे शेयर करूंगा, 5 मिनट, मेरे कॉलोनी के बच्चे सामने रहते हैं ना, तो मकान बन रहा है तो 15 भी बच्चे इकट्ठे हो जाते, तो पहली बार उनको बिस्कुट का पैकेट बना, मैं सब लोग नहा के आओगे, दांत मांज के आओगे तो करूंगा, पेस्ट नहीं है, ब्रश नहीं, मैं दिलाता। पहले दिन नहा के आए, बिस्कुट दिला दिया, मुंह दांत मांज के नहा के आए, नए कपड़े नहीं है किसके पास, जो भी करके आए कपड़े किसी भी। फिर मैंने कहा आप 1 से 20 तक की जो गिनती याद करेगा, बड़े को मैंने गिनती का ऑथराइज कर दिया, बाकी आज 1 से लेके 20 तक की गिनती वो रिंग गई है, कल मैं उनको बिस्कुट के पैकेट जो टॉफी मांगे ही दिला। एंजॉय द टाइम यार, मेरा दावा है बच्चे मुझे जिंदगी भर याद रखेंगे। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ मेरे को याद रखेंगे, वो सोचेंगे यार अंकल हमको खिलाते थे कि मेरे को याद है, मैं 8 साल में मेरे पिताजी से मिलने जाता था 1 रुपया लेने, मेरे को पिताजी से प्यार नहीं था, मेरे 1 रुपए से ज्यादा प्यार। तो मैं सोचता था पिताजी क्यों देते, मेरे पिताजी मुझे इसलिए देते थे कि हमारा चेहरा देखना चाहते। आई मेंशन इन माय वन ब्लॉग, तो वह चीज अभी रिलाईज होगी, तो वह बच्चों को भी रिलाईज होगा, वो अंकल आते थे सामने हमको चिपरन मार मार के दिलवाते थे, ब्रश करते थे यार, वो जब 40 साल के 50 साल होंगे। ऐसी चीज वो ना यार कि किसी को लाभ मिले, किसके जीवन संवरे, गप्पे मार के कुछ नहीं बोलना। बट आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी इंटेलेक्चुअल, यू ऑल आर फॉलो माई वर्ड, एंड यू आर फॉलो वर्ड माई वर्ड, इट्स विल गुड फॉर यू। ओके, आज का शार्क सत्र यहीं पर, इनके नए ज्ञान के साथ मिलेंगे कल हम सबको। नमस्कार, आप ध्यान की दुनिया में